कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुकेश सहनी पर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा विकल्प था और है और आगे भी रहेगा। ये सरकार हमारी है, हमारे मेहनत से आप सरकार में सत्ता में है। अगर हम आपके साथ नहीं रहते तो शायद आप कहाँ पे रहते, वो बिहार के जनता को प्रेजेंटेशन दे के या दरखास्त दे के आपके इंडिया गठबंधन में नहीं आए। आप लोगों ने लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना चाहिए और फिर मैं साथ आया और हमें हमारे जो हिस्सा था वो आपने दिया। माजी जी के सहयोग से ये सरकार बना है, आप तो देख ही सकते कि किस तरीके से नंबर है। अगर एक भी साथी अगर उस समय में सहयोग पत्र नहीं देता तो शायद उस समय में बिहार में सरकार नहीं बनता। मजबूती से सरकार में बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार के मुख्यमंत्री और हम विकास का काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास विकल्प था, अकेला हमने चुनाव लड़ा, अभी फिर से चुनाव आ रहा है MLC का, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर कोई हाथ मिलाएगा तो हाथ गले मिलाएंगे। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ यति आपके साथ। बिहार में MLC चुनाव जो है वो होने को है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों NDA में जो दरार देखने को मिली, जहां VIP पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी जो है वो NDA से खासा नाराज होते हुए दिखे हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि NDA ने जो है वो अपना वादा पूरा नहीं किया है, तो वो आगे का रास्ता जो है वो खुद अकेले ही तय करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि MLC चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी की जो पार्टी है VIP, उसको एक भी सीट नहीं दी गई थी, जिसको लेकर के मुकेश सहनी जो है वो खासा नाराज होते हुए दिखाई दे हैं। जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, वहीं बातचीत के दौरान जो है उन्होंने खुलकर के नाराजगी जताई है और क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने, आप इस वीडियो के माध्यम से खुद सुनिए। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को समझते हैं कि हम मुकेश सहनी पर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा विकल्प था और है और आगे भी रहेगा, तो इसलिए इस तरीके का बोले नहीं। ये सरकार हमारी है, हमारे मेहनत से आप सरकार में सत्ता में है। अगर हम आपके साथ नहीं रहते तो शायद आप कहाँ पे रहते, वो बिहार के जनता को पता है। आज आपके पास हमने इन्विटेशन दे के या दरखास्त दे के आपके इंडिया गठबंधन में नहीं आए। आप लोगों ने लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना चाहिए और फिर मैं साथ आया और हमें हमारे जो हिस्सा था वो आपने दिया और उसके तहत हमने चुनाव जीत कराया और हमारे सहयोग से, माजी जी के सहयोग से ये सरकार बना है। आप तो देख ही सकते कि किस तरीके से नंबर है। अगर एक भी साथी अगर उस समय में सहयोग पत्र नहीं देता तो शायद उस समय में बिहार में सरकार नहीं बनता। तो हम लोगों ने अपना ईमानदारी से मजबूती से सरकार में बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी आज बिहार के मुख्यमंत्री और हम विकास का काम कर रहे हैं। आपका 6 साल का लिए टर्म था? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारा विकल्प रहता है और मजबूती से रहता है, किसी के लिए थोड़े पॉलिटिकल पार्टी रुकता है। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास विकल्प था, अकेला हमने चुनाव लड़ा, अभी फिर से चुनाव आ रहा है MLC का, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, फिर कोई हाथ मिलाएगा तो हाथ गले मिलाएंगे, वो सब देखा जाएगा समय आने पर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से मुकेश सहनी जो है उन्होंने खुलकर के नाराजगी जताई है, इसके बाद क्या कुछ है तैयारियां उनकी जो MLC चुनाव को लेकर के, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे IVTV के साथ। धन्यवाद।